हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इंडस एचवीएससी सर्विस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचवीएससी का स्कोप। दुनिया भर में बहुत सारी फील्ड्स इस वक्त मौजूद हैं और प्रैक्टिकली तौर पर बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत होती है हर फील्ड में। इंजीनियरिंग लेवल पे आप देख लीजिए, जहाँ पे बहुत सारे हमारे यहाँ इंजीनियर्स होते हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, और बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत के बाद ही हम इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर सकते हैं। पर अगर छोटी लेवल में मैं बात करूं तो रेफ्रिजरेशन फील्ड का बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग एचवीएससी के अंदर। क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ के ऑपरेटर बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, ऑपरेशंस फील्ड में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, पर ट्रबल शूटिंग के टेक्नीशियंस बहुत कम है। क्योंकि टेक्नीशियन कम होने की एक वजह यह भी है कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों की नहीं हो रही, सारी मैन्युफैक्चरिंग बाहर से होकर आती है और यहाँ पे सिर्फ चीज़ें असेंबल होती हैं और ऑपरेट होती हैं। तो मैं तमाम दोस्तों को यही मशवरा देना चाहता हूँ कि एचवीएससी के अंदर आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर आप डिप्लोमा कीजिए, छोटे छोटे कोर्सेस कीजिए और काम को सीखिए, क्योंकि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। ये आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में तस्वीरें चल रही हैं, कुछ पिक्चर्स मैंने कलेक्ट करी हुई हैं। ये एचवीएससी टेक्नीशियंस हैं, इनमें कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ ड्राफ्ट करते हैं, जो डिज़ाइनिंग करते हैं, और कुछ मैकेनिक वर्क भी करती हैं, लेडीज़ हैं। इन तमाम लेडीज़ ने दुनिया भर में अपना नाम कमाया है एचवीएससी फील्ड के अंदर। तब मैं आपको वेबसाइट का लिंक भी दे देता हूँ, आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि इन गर्ल्स ने, इन लड़कियों ने दुनिया भर में एचवीएससी के अंदर अपना नाम कमाया है। और मर्द न सिर्फ मर्द और ये लेडीज़ भी इस काम में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि एचवीएससी को हम लोगों ने शौक बनाया हुआ है और अपने शौक से हम काम करते हैं। किसी भी चीज़ को आप लगन से, मेहनत से, अपने शौक से काम करेंगे तो यकीनन कामयाब होंगे। और इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा भी है और बहुत ज़्यादा मज़ा भी है, तो आप इस फील्ड को शौक से कीजिए और इंशाल्लाह बहुत जल्दी कामयाब होंगे। थैंक यू।